पाकिस्तान की एटमी हमले, गीदड़ भभकी और सीज फायर पर राजनाथ सिंह की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। तो राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने कभी भी दुनिया के किसी भी देश पर हमला नहीं किया और ना ही किसी की एक इंच जमीन पर अवैध कब्जा किया, लेकिन हमारी सेना उन लोगों को जवाब देने में सक्षम है जो भारत पर बुरी नजर रखते हैं। तो जिस तरह से पाकिस्तान की गीदड़ भभकी लगातार जारी है, उसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने एटमी हमले की धमकी दी थी, जिसके बाद अब रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा है कि हमारी सेना जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है और हर एक हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। जो भारत को बुरी नजर से देखता है, उन्हें जवाब देने में हमारी भारतीय सेना सक्षम है और भारत ने किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया, किसी की एक इंच जमीन पर अवैध कब्जा हमने नहीं किया है। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने पिछले दिनों एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दी थी, जिस पर अब पलटवार करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया। ।126 दिन धरने में शामिल था, उस वक्त मुल्क के हालात और सरहदी मामलात ऐसे नहीं थे। ये सीरियस थ्रेट है इस मुल्क को और ये जंग खौफनाक हो सकती है। ये कन्वेंशनल आर्म नहीं होगी। जो अकल के अंधे ये समझ रहे हैं कि 4-6 दिन तक टैंक तोपें चलेंगी या हवाई जहाज एयर अटैक होंगे या नेवी के गोले चलेंगे, नो वे। दिस विल बी एटॉमिक वॉर, दिस विल बी ए क्लियर कट एटॉमिक वॉर, और जिस तरह की जारियत होगी उस किस्म का असला इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं ये वक्त नहीं। ऑफेंसिव नहीं रहा भारत का, एक चरित्र रहा है कि भारत ने दुनिया के कभी किसी देश के ऊपर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी भी देश की एक इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। भारत का एक चरित्र है। लेकिन भारत की हमारी जो सेना है, जो आर्म फोर्सेस हैं, उनके अंदर वह कुवत है, वह ताकत है जो भारत को बुरी नजरों से देखने की कोशिश करेगा उसका वह मुंहतोड़ जवाब दे सकती है।